नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। पिछली क्लास में अपन ने सॉफ्ट कॉपी के बारे में पढ़ा था, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं दूसरा जो पॉइंट है वो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। पहला अपन ने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। यह वह उपकरण होते हैं जो हमें स्थायी आउटपुट प्रदान करते हैं, ये स्थायी आउटपुट प्रदान करते हैं, और सॉफ्ट कॉपी जो होते हैं वो अस्थायी आउटपुट प्रदान करते हैं। जब तक लाइट आती है तभी तक दिखाई देते हैं, बाकी बंद हो जाते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस रहते हैं तब भी रहते हैं। अर्थात इस प्रकार के आउटपुट को एक बार प्राप्त करने के बाद यदि पावर बंद हो जाता है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह कागज पर प्रस्तुत परिणाम है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे प्रिंटर और प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं दोनों, और इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। पहला जो आता है प्रिंटर। प्रिंटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में संग्रहित सूचना को पेपर पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर में संग्रहित किसी भी फोटो, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स आदि को प्रिंट कर सकता है। यह डिवाइस कंप्यूटर से अलग होता है और कंप्यूटर के साथ नहीं आता है। कंप्यूटर में मेन चार डिवाइस होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। यदि आपको प्रिंट वगैरह कुछ करना है तो उसके लिए अलग से आपको प्रिंटर लेना पड़ता है, बल्कि इसे अलग से खरीदना पड़ता है, क्योंकि प्रिंट के न होने से कंप्यूटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रिंटर लो या नहीं लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर के ऊपर। मेन चार पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। लेकिन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी निकालने के लिए हमें एक प्रिंटर की आवश्यकता होती है। यदि अपन को कोई हार्ड कॉपी निकालनी है तो कंप्यूटर प्रिंटर की आवश्यकता होती है, बाकी नहीं होती है। और सॉफ्ट कॉपी तो वैसे ही अपन को दिखती है मॉनिटर के ऊपर, प्रिंटर ऐसा होता है, ये प्रिंटर के इमेज द्वारा अपन देख सकते हैं इसको, प्रिंटर ऐसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है प्रिंटर के प्रकार, इंग्लिश में हो जाता है इसको टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के प्रकार को मैंने चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की है, तो प्रिंटर के समझते हैं चार्ट के द्वारा। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो सभी के दो दो प्रकार ही हैं। प्रिंटर दो प्रकार के हो गए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के दो प्रकार हो गए, करेक्टर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर के दो प्रकार हो गए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन के दो प्रकार हो गए, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये तीनों प्रकार के होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इन सभी प्रिंटर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं एक एक करके डिटेल के साथ में। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पहला जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो पहला जो इम्पैक्ट प्रिंटर उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो पहला आता है वो करेक्टर प्रिंटर। और करेक्टर प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक करेक्टर ही प्रिंट कर सकते हैं, एक समय में एक प्रिंटर ही करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम ही करेक्टर प्रिंटर है। करेक्टर प्रिंटर में जो पहला आता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंग्लिश में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोला जाता है इसको। यह प्रिंटर कम महंगे और विश्वसनीय हैं, लेकिन आवाज़ बहुत करते हैं। इनका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें उच्च गुणवत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रिंटर में हैमर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर टाइपराइटर के समान कार्य करते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक अक्षर डॉट के रूप में प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट के रूप में प्रिंट किया जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड व टिकट काटने के लिए किया जाता है। रोडवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर आपने देखा ही होगा, आप जब हम टिकट वगैरह लेते हैं तो जो दोनों तरफ प्रिंट, दोनों तरफ डॉट डॉट आते हैं, जो अपन रेलवे स्टेशन या टिकट लेते हैं तो दोनों तरफ अपन को डॉट डॉट मिलता है, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कारण ही आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है, तो ये इमेज द्वारा अपन समझ सकते हैं कि ये ऐसा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। दूसरा जो करेक्टर प्रिंटर में आता है वो है डेजी व्हील प्रिंटर।
इंग्लिश में डिजिटल प्रिंटर बोला जाता है इसको। यह धीमे गति का प्रिंटर है जो एक बार में एक करेक्टर ही प्रिंट करता है। इसमें प्रिंट हेड हेड की जगह डेजी व्हील लगा रहता है, नाम ही इसका डेजी व्हील प्रिंटर, तो डेजी व्हील लगा रहता है जो गोल घूमकर आवश्यक अक्षर प्रिंट करता है। इससे ग्राफ या रेखाचित्र नहीं उखड़े जा सकते हैं। ऐसा होता है डेजी व्हील प्रिंटर, गोल गोल घूमकर अक्षर प्रिंट करता है ये। तो ये हो गया डॉट प्रिंटर प्रिंटर और ये डेजी व्हील प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, नाम ही इसका लाइन प्रिंटर। जैसे पहले था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो डॉट नाम ही उसका, ऐसे था करेक्टर प्रिंटर जो करेक्ट पूरी एक करेक्टर को प्रिंट करता था। तो अब यह दूसरा जो है लाइन प्रिंटर पूरी लाइन को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है चेन प्रिंटर, इंग्लिश में चेन प्रिंटर बोला जाता है इसको। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। यह ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इसके द्वारा प्रिंटिंग केवल एक ही आकार या प्रकार से होती है। ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी चेन होती है इसके अंदर, इसका नाम चेन प्रिंटर प्रिंटर होता है और ऐसी चेन होती है। दूसरा जो प्रिंटर आता है वो है ड्रम प्रिंटर, इंग्लिश में ड्रम प्रिंटर बोला जाता है इसको। ड्रम प्रिंटर में हेड गोलाकार ड्रम के रूप में होता है जिस पर पूर्व प्रभाषित अक्षर छपे हुए होते हैं। गोलाकार ड्रम अपने निश्चित स्थान पर घूमता रहता है। अक्षर को प्रिंट करते समय वह बाहर निकलकर रिबन से और रिबन पेपर से टकराता है। इसमें एक लाइन एक बार में प्रिंट होती है, नाम इसका लाइन प्रिंटर ही है। एसटीडी मशीन बिल प्रिंट करने के लिए सामान्यतः इसी प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। एसटीडी वगैरह पर जो बिल प्रिंट होता है वो इसी के माध्यम से प्रिंट होता है। ऐसा होता है ड्रम प्रिंटर। तो ये चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर हो गया लाइन प्रिंटर के अंदर। तो इम्फेक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं दूसरा नॉन इम्फेक्ट प्रिंटर। नॉन इम्फेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, नॉन इम्फेक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। उनमें जो पहला जाता है इंकजेट प्रिंटर, नाम से पता चलता है इसका, इंकजेट प्रिंटर मतलब इंक डालनी पड़ती है इस प्रिंटर में। इंकजेट प्रिंटर कागज की सतह पर उच्च गति से स्याही को स्प्रे करता है। यह प्रक्रिया में केवल बेहतर गुणवत्ता वाली तस्वीरें उत्पन्न करती है बल्कि इससे अनेक प्रकार के रंगों में प्रिंट की जा सकती है। यह सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर विश्वसनीय, बिना आवाज काले व सस्ते होते हैं। ये सब होता है, इसमें अपन अलग अलग प्रकार के कलर वगैरह डाल के प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इंकजेट प्रिंटर नाम से ज़्यादा इंक जिसमें इंक वगैरह डालते हैं उसको इंकजेट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। नॉन इंफेक्ट प्रिंटर में दूसरा जो आता है वो लेजर प्रिंटर, इंग्लिश में लेजर प्रिंटर बोला जाता है इसको। यह फोटोकॉपी की मशीन की तरह कार्य करता है। इंकजेट प्रिंटरों से अधिक महंगे लेजर प्रिंटर होते हैं लेकिन यह सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है, ये कंपटीशन एग्जाम बहुत सी बार पूछा जाता है, तो वो है लेजर प्रिंटर। इसे हाई स्पीड प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले कार्यों में किया जाता है जैसे साइबर कैफे, अस्पताल, स्कूल आदि में जो प्रिंटर लगे होते हैं वो लेजर प्रिंटर ही होते हैं। ये लेजर प्रिंटर होता है। तो नॉन इम्फेक्ट में तीन प्रकार के प्रिंटर थे, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर पढ़ लिया अपने। अब तीसरा और लास्ट जो प्रिंट का प्रकार आता है नॉन इम्फेक्ट में वो है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर उष्मा संवेदी कागज पर इमेज बनाने के लिए एलिमेंटों का उपयोग करते हैं। इन प्रिंटर का उपयोग और पेट्रोल पंपों पर रसीद काटने के लिए किया जाता है। पेट्रोल पंप पर जो रसीद काटते हैं वहां पर जो प्रिंट लगा होता है वो होता है थर्मल प्रिंटर लगा होता है। और ये ऐसा होता है थर्मल प्रिंटर, जैसे लिखा हुआ थर्मल प्रिंटर, ये थर्मल प्रिंटर का। इसके साथ ही आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।